तुम्हें क्या लगा मेरी ईशा, मेरी बहन, जिसे मैं सबसे ज्यादा चाहती हूँ कि मेरे पास हो, वो मेरे सामने आएगी और मैं उसे पहचानूंगी भी नहीं। सवाल ये होता अगर ईशा को हमने निकाला नहीं तो वो निकली कैसे? शेलो, आ गए नाटक के बाकी के कलाकार। हीरा तुम? हाँ, अब मैं जानती हूँ ये सब नाटक आपने रेवती आंटी को सबक सिखाने के लिए किया था। अब मैं भी आपके साथ हूँ। बोलिए, क्या खेल खेलना है मुझे? ईशा, तुम ऐसा करो, दाइमा के घर में छिप जाओ। मैं तुम्हें बताऊंगा घर में वापस आने का वक्त कब ठीक रहे। समर्थ, मैं अभी अभी मेरी राह से मिली और तुम? मैं तुम दोनों की सेफ्टी के लिए कह रहा हूँ, प्लीज जाओ। ठीक है, एक मिनट ही रहा। ये मेरी ईशा, पर ये तो तेरे लिए कहेगी और इसे हमेशा पहने रखेगी। माता रानी तेरी रक्षा करेंगी। पंडित जी, जी आपको पूरा दिन रोक के रखा, उसके लिए माफी चाहते। आप चाहें तो जा सकते। पंडित जी कहीं नहीं जाएंगे। What? आप जिस काम के लिए आए हैं वो करके जाएंगे, यानी कि समर्थ और ईरा की शादी। ईशा को इस घर में लाने का सिर्फ एक ही तरीका है, समर्थ और ईरा की शादी। पंडित जी, शादी की तैयारियां कीजिए। दूल्हा भी यही है और दुल्हन भी। दुल्हन तो ये है पर सिर्फ मेरी है और मैं इसे किसी और की होने नहीं दूंगा। ओह, तो तुम भी? जब ये सब मुझे रोक नहीं पाए तो तुम किस खेत की मूली हो? आप चाहे जबरदस्ती ये शादी करवा भी लें, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपको शायद पता नहीं कि मैंने और श्रवण ने डिवोर्स पेपर पे साइन किया ही नहीं। इसलिए अपने झूठ को सच साबित करने के लिए कोई और रास्ता ढूंढ लीजिए आप। मैं और श्रवण जा रहे हैं यहाँ से। चलो श्रवण। हम भी जा रहे हैं रेवती। बाय, चलो। मैडम, क्या कर रही हैं आप? तुम चुप रहो, कोई यहाँ से नहीं हिलेगा। जब तक मुझे सच का पता नहीं चलता, यहाँ से कोई नहीं जा सकता। माता रानी, आपने मुझे तो बचा लिया, बस अब यही कृपा सब पर बनाए रखना। सामने आओ ईशा, मैं सिर्फ 5 तक गिनती गिनूंगी और छठी आवाज सिर्फ गोलियों की होगी। मैं गिनती शुरू कर रही हूं। 5, 4, 3, 2, एक। रेवती, तुम पागल हो गई हो क्या? आ गई हूं मैं आपके सामने मम्मी जी। आप जीत गई और मैं हार गई। मैं तो पहले से ही जानती थी कि मैं ही जीतूंगी। तुम जानती हो ईशा, ये जो तुम दोनों का प्यार है ना, आज तक मैं इसी प्यार का तो इस्तेमाल करती आई हूं। बचपन से हम दोनों बहनों को अलग करने की कोशिश की आपने, कोई इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है? उस रात तो गलती से तुम्हें धक्का लग गया था, लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि काश काश वो धक्का जोर की लगता तो तुम हमेशा हमेशा के लिए मर जाती। तब नहीं मैं तुम्हें मार सकी तो क्या हुआ, आज मैं तुम्हें मारूंगी। मरने के लिए तैयार हो जाओ ईशा, क्योंकि इस बार गोलियां भी बिल्कुल असली है और तुम्हारी मौत भी बिल्कुल असली होगी।